यहाँ पे आकर इनके साथ मारपिटाई की और इस हद तक मारपिटाई की कि आप ये देख सकते हैं कि इनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरों की जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और इन खबरों को गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाती है, या दिखाती है तो अपने नजरिए से दिखाती है। इसलिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, चाहे वो भीम आर्मी से जुड़ी हुई खबर हो या समाजवादी पार्टी की खबर है, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से फीस बढ़ा करके छात्रों को परेशान किया जा रहा है, छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की मोदी सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और दलित एडवोकेट की दिल्ली के अशोक नगर में किस प्रकार से जातवादी गुंडों द्वारा पिटाई की जाती है, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उनकी वाइफ के भी हाथ तोड़ दिए जाते हैं, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, इन सभी विषयों पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 400% फीस बढ़ाई, इसके विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संगठन काफ़ी समय से इस फीस बढ़ाने के फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस शोर शराबे के बीच भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीस वृद्धि पर अंतिम मोहर लगा दी। ये बढ़ी हुई फीस का नियम आगामी सत्र यानी कि सेशन 2022-23 में लागू होगा। ये फैसला वित्त समिति और एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा पहले ही मान कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों को शिक्षा से दूर करने के लिए किस प्रकार से 1, 2, 10, 50 नहीं बल्कि 400% विश्वविद्यालय द्वारा फीस बढ़ाई गई है। इसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं और फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना है अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। जी हां, दिल्ली के अशोक नगर इलाके में कल दलित एडवोकेट और उसके परिजनों की जातवादी गुंडों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया था। एडवोकेट विमल चंद जाटव जात से हैं। गुर्जर जात से आने वाले उनके पड़ोसी पिछले काफी वक्त से उन्हें यह कहकर परेशान कर रहे थे कि वो चमार हैं तो उन्हें चमारों की बस्ती में रहना चाहिए। कल वकील और उनकी पत्नी को बुरी तरह पीटा गया। वो दबंग इतने बड़े हो गए कि इतनी बड़ी चीजें कर देंगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं हमारा घर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है हमारा घर। अगर वो इतने बड़े गुंडे या बदमाश है तो आप आ जाए, आप भेजिए ना, आप भी थाने चलिए भाऊजी, आइए आप भी थाने चलिए। अगर आज घबराओगे तो नहीं होगा कल को कुछ भी। आओ आओ, अरे मरना हुआ तो मार देंगे, बस बस विश्वास दिला रहे हैं, आपको टच भी नहीं कर सकता है, आप थाने चलो बस, साथ में लड़ने का जज्बा आप रखो, पीछे हम खड़े हुए ना, बुलाओ भाई को, हम देखेंगे कितने बड़े गुंडे और बदमाश हैं वो, बुलाओ भाई को, चलो थाने। अच्छा, 10 तारीख नौवा महीना 2022 को घटना हुई। घटना क्या हुई कि कुछ अराजक तत्वों ने, जो अपने आप को एक विशेष जाति का बता रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आकर इनके साथ मारपिटाई की और इस हद तक मारपिटाई की कि आप ये देख सकते हैं कि इनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी है। फिर उनको ये कहा गया कि तू विमल जाटव यानी चमार, तेरी बस की यहाँ पे रहना नहीं है, तुझे यहाँ हम रहने नहीं देंगे, तू चमारों की बस्ती में जाके रह। यानी कि उनका कहना ये था कि तुम यहाँ पर, देखो देखो सबसे बड़े, इधर आओ ये देखो गर्दन, तो या तो वो मारने आए थे दलितों की जान की, चमारों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। और मैं दिल्ली के आला कमान अधिकारियों को भी मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम हम समाज के लोग दे रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है इन तमाम धाराओं में तो हम कौंडली का पुल जाम करेंगे। और यहाँ पे अब दूसरा मामला आता है, जिन्होंने वीडियो बनाई, मैं ये भाई है, क्या नाम हुआ आपका, प्रेम भाई, ये इनके पिताजी हैं, और ये इनके ही नहीं हमारे ही पिताजी हैं, इनको भी क्योंकि इन्होंने वीडियो बनाया तो उन जातिवादियों ने, गुंडों ने, उन कुत्तों ने, उन हरामियों ने इन्हें भी धमकी देने का प्रयास किया कि अगर तुमने वो वीडियो वायरल की तो अगला नंबर अब तुम्हारा है, अगला नंबर
अब तुम्हारा है, तुम्हें भी ऐसी जान संवार देंगे। ये मामला सामने आने के बाद दलित समाज में काफी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देश भर में दलित उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो। दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अधिकतर केसों में अपराधी ओबीसी समाज से हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आखिर पिछड़े वर्ग के समाज कब सुधरेंगे और कब इस नफरत को मिटा करके देश में भाईचारा बनाने का काम करेंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सामाजिक कार्यकर्ता, खासकर के दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है, क्या बहुजन समाज बनाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ दलित समाज ने ले रखा है? कब तक बहुजन के नाम पर दलित जात से आने वाले एडवोकेट विमल चंद जाटव जैसे लोग इस जात उत्पीड़न का शिकार बनते रहेंगे? बीजेपी के इशारे पर सपा विधायक रमाकांत यादव को प्रभारी जेलर द्वारा किया जा रहा है टॉर्चर। समाजवादी पार्टी द्वारा इस मामले की ट्वीट कर जानकारी दी गई है। रमाकांत यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लिखे पत्र को सपा की आईटी सेल ने शेयर करते हुए लिखा है कि आजमगढ़ जेल में भाजपा सरकार के इशारे पर दिनांक 7 सितंबर 2022 को सपा विधायक माननीय श्री रमाकांत यादव जी के साथ प्रभारी जेलर विकास कटियार के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की घटना घोर निंदनीय है। प्रभारी जेलर के खिलाफ हो ठोस कार्रवाई। फर्जी मुकदमे में बंद श्री रमाकांत जी को रिहा करे सरकार। आपको बता दें कि 17 फरवरी 1998 की शाम को लगभग 6 बजे लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। रमाकांत यादव और उमाकांत यादव को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहीं आ पहुंचे। दोनों तरफ से गाली गलौज तथा क्रॉस फायरिंग होने लगी। इससे अपराध तफरी मच गई थी। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में फूलपुर से विधायक रमाकांत यादव आजमगढ़ जेल में बंद है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, राजस्थान में 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जयपुर में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान में साइकिल से सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान में आजाद समाज पार्टी पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का मंगलवार को सातवां दिन है। यात्रा के दौरान आज तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम में उमड़ी भीड़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के सातवें दिन की शुरुआत आज तिरुवनंतपुरम के कल्याणपुरम से की है। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। इस पदयात्रा की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में राहुल अपने नेताओं के अलावा आम लोगों के साथ भी चलते दिख रहे हैं। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। यह यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों में होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। बता दें कि राहुल गांधी के साथ 3 तरह के यात्री पद यात्रा कर रहे हैं। करीब 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। साथ ही जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है उस प्रदेश के 100 प्रदेश यात्री साथ चलेंगे। ऐसे में केरल में प्रवेश करने के साथ तमिलनाडु के 100 प्रदेश यात्रियों की जगह केरल के प्रदेश यात्रियों ने ले ली है। इस यात्रा के दौरान कई वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी की पदयात्रा जारी है और तमाम लोगों का समर्थन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आपका इन सभी खबरों पर क्या सुझाव है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।